पोस्ट लंच सेशन में आपका फिर से स्वागत है। सेमिनार की जो एक सीरीज है उसकी इंट्रोडक्शन तो आप सबको है। तो हमारा जो आज के नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं डॉक्टर अकाल अमृत कौर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी लालपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जलंधर। तो इनका जो टॉपिक है वो बेसिकली पंजाबी डायस्पोरा राइटिंग के ऊपर ही। डायस्पोरा बोलते हुए मैं थोड़ा सा इसलिए हेसिटेट कर रहा था क्योंकि अब हमने इसको डायस्पोरा बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि इमिग्रेंट्स हैं और दोनों में अगर देखा जाए तो फर्क जो बेसिक है वो पंजाबी इमिग्रेंट्स में भी है। सो इनके जो टॉपिक से इमिग्रेंट पंजाबी लिटरेचर एंड कल्चर मल्टी लोकल नेटवर्किंग कॉन्शियसनेस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पंजाब के प्रेजेंट यूथ से और यहाँ की सोसाइटी का इन ए वे जो क्राइसिस है उससे भी रिलेटेड है। तो आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। सो आई नाउ इनवाइट डॉक्टर अकाल अमृत टू गिव हिज प्रेजेंटेशन। आज की इस प्रेजेंटेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर रविंद्र सिंह सर, सभी साथी एसोसिएट्स, जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा पंजाबी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और मेरा रिसर्च पेपर भी पंजाबी में ही है, काफ़ी विस्तृत है, लेकिन आप सबके लिए मैं इसको सरल हिंदी में इसकी कुछ फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी जो भी हमें टाइम मिला है उसके दरमियान। आज के संदर्भ में प्रवासी पंजाबी साहित्य सभ्याचार की बात करने से पहले ऐसे साहित्य की रचना करने वाले प्रवासी पंजाबी भाईचारे की होंद विधि को समझना आवश्यक हो जाता है। आमतौर पर भारतीय अथवा पाकिस्तानी पंजाब से प्रवास करके विदेशों में जा बसे पंजाबी भाईचारे को प्रवासी पंजाबी भाईचारा कहा जाता है। कुछ लोग इसको पंजाबी डायस्पोरा भी कहते हैं। डायस्पोरा केवल उसी प्रवासी पंजाबी भाईचारे को कहा जा सकता है जो विदेश में रहता हुआ भी अपने देश के साथ समाज सभ्याचारिक और आर्थिक राजनीतिक संबंध बनाए रखे। मातृभूमि और कर्मभूमि के अंतर संवाद में से पैदा होने वाली बहुत स्थानीय चेतना ही प्रवासी भाईचारे को डायस्पोरा में रूपांतरित करती है। ये जानना ज्यादा उचित होगा कि विश्वीकरण के अजोके संदर्भ में प्रवासी पंजाबी भाईचारे की पारराष्ट्रीय गतिविधियां ही उसको डायस्पोरा बनाती हैं। मैं अपने इस रिसर्च पेपर में प्रवासी पंजाबी भाईचारे को पंजाबी डायस्पोरा के इन्हीं अर्थों में इस्तेमाल करूंगी। ज्ञान, संचार और आवाजाही के विकसित साधनों की आमद से पहले किसी दूर मुल्क में जाकर बसे लोग दूसरी तीसरी पीढ़ी के बाद वहां के स्थानीय भाईचारे में जज़्ब हो जाते थे। अतीत की याद के सिवा अपनी पृष्ठभूमि से जुड़े रहने के कोई साधन मौजूद नहीं थे, परंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। विश्व भर में फैले पंजाबी सर्व सांझे ग्लोबल मीडिया नेटवर्क में जुड़े होने के कारण एक दूसरे से केवल जेब में पड़े स्मार्टफोन की दूरी पर ही बैठे हैं। पारराष्ट्रीयता का अजोका संदर्भ उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों को ही प्रभावित कर रहा है।
अपनी जुबान और संस्कृति को साथ लिए दूसरे मुल्कों में जाके बसने वाला प्रवासी भाईचारा उन मुल्कों की धरतियों को बहुत सभ्याचारक धरतियां बनाकर खुद पारराष्ट्रीय भाईचारे में रूपांतरित हो जाता है। हरे इनकलाब की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब में प्रवासी मजदूरों की बड़े पैमाने पर आमद ने पंजाब को भी बहुत सभ्याचारक प्रांत बना दिया है। दरअसल विश्वीकरण के प्रभाव के अंतर्गत प्रवास के तेजी के साथ बढ़ रहे प्रचलन ने दुनिया की हर धरती को बहुत सभ्याचारक धरती और हर भाईचारे को बहुत राष्ट्रीय भाईचारे में तब्दील कर दिया है। अगर प्रवासी पंजाबी भाईचारे जहाँ उसके साहित्य सभ्याचार को समझना है तो उसको विश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ग्लोबल मीडिया नेटवर्क, बहुत सभ्याचारवाद और पारराष्ट्रीयता के इन्हीं संदर्भों के अंतर्गत ही समझना पड़ेगा। विश्व लेवल पे पूंजी, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, वस्तुएं, सेवाएं और किर्त का खुला बहाव ही विश्वीकरण कहलाता है। इस बहाव को खुले व्यापार और खुले प्रवास में विभाजित करके देखना ज्यादा उपयोगी रहेगा। पैदावार और खपत में बढ़ोतरी के जरिए अपनी झोलियां भरने की खातिर खुले व्यापार के लिए सहमति प्राप्त करने की खातिर विश्व सरमाए ने वेलफेयर स्टेट्स और अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस की स्थापना के कार्य प्रारंभ किए। वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज के माध्यम से कीर्ति जमात को दी जाने वाली सहूलतों के बदले में विश्व सरमाए ने ट्रेड यूनियंस से ओपन ट्रेड की लुप्त सहमति प्राप्त कर ली। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वेलफेयर स्टेट और ओपन ट्रेड की सांझी पॉलिसी ही विश्व सरमाए की होनी को निर्धारित करती रही है। विश्व सरमाए के अधिक विकास के लिए खुले प्रवास का भी खुले व्यापार जितना ही महत्व है। एक अनुमान के अनुसार पूंजी, ज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरह ही अब किर्त का खुला बहाव ही दुनिया की आमदन दुगनी कर सकता है। परंतु कौमी राज की डिब्बा बंद धारणा ओपन माइग्रेशन के रास्ते की बड़ी रुकावट है। जैसे पंजाब के सभ्याचारक मूलवादियों को, जागीरू सियासतदानों और स्थानिक लेबर को प्रवासी मजदूरों से पंजाब की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुसत्ता के खुस जाने का भय खा रहा है, वैसे ही विकसित देशों को भी विकासशील देशों से आने वाली लेबर फोर्स से भय आ रहा है। कुछ भी हो, प्रवास की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, जो ग्लोबल मीडिया नेटवर्क के जरिए हर क्षेत्र को बहुत सभ्याचारक क्षेत्र और हर भाईचारे को पारराष्ट्रीय भाईचारे में रूपांतरित करती जा रही है। प्रवास की इस निरंतर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लगातार प्रवास कर रहे पंजाबियों का वहां की जन्मी पली पंजाबियों की पुरानी पीढ़ियों के साथ सांझ और विरोध दोनों का रिश्ता बना रहता है, जो उनकी अपनी पहचान, पंजाबी पहचान और विविधता को गुम नहीं होने देता। लगातार प्रवास कर रहा जात, जमात इत्यादि अनेक भिन्नताओं में बटा पंजाबी भाईचारा जहां एक तरफ पंजाब के रूप में वहां की जन्मी पली पीढ़ी के संग साथ रहता हुआ उनके अंदर पंजाबी भावना को जगाई रखता है, जो कि नई मीडिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी दृढ़ होती रहती है। वहां दूसरी तरफ उनकी भाषाई और सभ्याचारक भिन्नताएं विरोधाभास की सृजना भी करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जुबान, अपनी संस्कृति और अपनी धरती की गोद में पलता है। इन्हीं में से उसे अपने जीने की जुगतें हासिल होती हैं। इनसे अलहदा होके वो बिखर जाता है। इसीलिए विदेश में जाकर वो सबसे पहले अपनी सोशल स्पेसेस की सृजना वहां करते हैं, जिसके जरिए वो अपने अकेलेपन, बेगानगी, संचार संकट पर काबू पाने के साथ साथ समाज सभ्याचारक
और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए साझा प्लेटफॉर्म भी मुहैया होता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स लिटरेचर में से मैं आपको दे सकती हूँ अगर लेक्चर के बाद आप चाहें तो। मातृभूमि की ये पहचान लेकर वो नए सपनों नए संघर्षों से गुजरता अपनी कर्म भूमि पर नई संभावनाएं और नई पहचान सृजने की राह पर चलता है। अगर दूसरे मुल्कों अथवा प्रांतों में जाकर बसने वाले लोग वहां की संस्कृतियों में जज़्ब होकर भी अपनी जुबान को मरने अथवा सभ्याचारक पहचान को मिटने नहीं दे रहे तो बहुत सभ्याचारक क्षेत्रों का ये अर्थ भी नहीं है कि इन क्षेत्रों में बसने वाले प्रवासी अपनी अपनी जुबानों और संस्कृतियों के बंद डिब्बों में ही पड़े रहते हैं। अल्पसंख्यक तबकों और उनकी जुबानों संस्कृतियों को स्थिर और स्थायी संरचनाओं के रूप में परवान करने का अर्थ है उनका नई परिस्थितियों चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को रीइमेजिन करना रूपांतरित करने की प्रक्रिया को रोककर उनके अंदर मौजूद शक्ति संबंधों को दृढ़ करना। बहुत सभ्याचारवाद में मौजूद इस सभ्याचारक मूलवाद से बचने की आवश्यकता है। प्रवासी व्यक्ति जहां भी जाता है वहां अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के अंतर संवाद में से एक नई हाइब्रिड पहचान प्राप्त करता है। नई हाइब्रिड पहचान स्थापित करना निश्चय ही प्रोग्रेसिव कदम है, परंतु प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उसकी कर्मभूमि उसको अपनी जन्मभूमि के साथ बराबर की वफादारी निभाने की इजाजत भी देती है या नहीं। प्रवासी पंजाबियों द्वारा पंजाब के समाज आर्थिक राजनीतिक विकास में डाला जा रहा योगदान मातृभूमि के प्रति ऐसी ही वफादारी की तरफ संकेत करता है। कर्म भूमि के साथ साथ मातृभूमि के लिए निभाई जा रही यह बराबर की वफादारी कौमी राज्य के बंद डिब्बे को खोलकर जमहूरियत की नई संभावनाएं उजागर करती है। पंजाब के एक ग्रामीण स्कूल में गुरमुखी का उड़ा ऐड़ा सीख रही नंद किशोर नाम के बिहारी प्रवासी मजदूर की बेटी माधुरी अपनी जुबान और संस्कृति से नाता तोड़कर पंजाबी सभ्याचार में जज़्ब नहीं होती। अपने मूलवास और प्रवास के बीच अंतर संवाद में से नए बिहारी पंजाबी हाइब्रिड सभ्याचार के निर्माण के जरिए पंजाब के बहुत सभ्याचारक खित्ते में अपने प्रवासी बिहारी भाईचारे के लिए पैरेलल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर रही है। प्रवासी भाईचारों को रोजगार देकर पंजाबी समाज उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा बल्कि उनके ज्ञान और तजर्बे के माध्यम से अपने पैदावारी ढांचे में विविधता लाकर उसके विस्तार के जरिए पंजाब की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। अगर कनाडा अथवा कर्म भूमि में पंजाबी मातृभाषा का ही मसला देखें तो हम देखते हैं कि पंजाबियों ने कनाडा की भाषाई और मीडिया लैंडस्केप पूरी तरह से बदल कर रख दी है। कनाडा का पंजाबी साहित्य वहां के पंजाबी मैगजीन समाचार पत्र रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम सिनेमा इस तब्दीली की प्रत्यक्ष तस्वीर है। ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी जुबान का दूसरी भाषा के तौर पर प्रमाणित होकर स्कूली शिक्षा में शामिल हो जाना इसी बढ़ रहे प्रभाव का परिणाम है। दूसरी तरफ कनाडा अथवा कर्म भूमि के पंजाबी जीवन और साहित्य ने पंजाब यानी कि मातृभूमि के पंजाबी साहित्य सभ्याचार और खास तौर पर पंजाबी सिनेमा को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित किया है। इसके साथ ही कनाडा की अंग्रेजी और पंजाबी की पंजाबी जुबान को भी नया शब्द भंडार देकर अमीर बनाया जा रहा है। 1947 के बंटवारे के बाद हमें अक्सर ये बह आता रहा कि कहीं पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब की जुबानें क्रमवार संस्कृत और पर्शियन के प्रभाव में दो अलग भाषाएं ही न बन जाएं। इसी तरह
कनाडा अमेरिका की पंजाबी जुबान भी हमें अपनी पंजाबी जुबान से दूर जाती हुई महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि वो भी अंग्रेजी के प्रभाव में एक अलग जुबान बन जाएगी। ऐसे ही पंजाबी के और भी कितने रूप हैं जिनकी पंजाबी से बढ़ रही दूरी हमें सताती है। किसी वक्त ये डर भय बिल्कुल दुरुस्त थे, परंतु ये विविध पंजाबी भाईचारे आज वर्चुअल स्पेस में सांझे नेटवर्क में बदे होने के कारण एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसी संवाद के जरिए पंजाबी जुबान की विविधता में बढ़ोतरी से इसको बेमिसाल अमीरी भी दे रहे हैं। ये मानना दुरुस्त होगा कि जैसे समय की गति सभ्याचार को खंडित नहीं करती, बल्कि इसके विभिन्न पड़ावों को तब्दीली की ऐतिहासिक निरंतरता में बांध देती है, वैसे ही इसका क्षेत्रीय अथवा भूगोलिक विस्तार इसको विभाजित नहीं करता, इसकी विविधता को एक नए वृतांत में चिन्ह देता है। जैसे गुरबाणी में अंकित है, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहाव। जहां तक जन्मभूमि और कर्मभूमि की सियासी परंपराओं की क्रॉस ब्रीडिंग का प्रश्न है, ये तो तभी शुरू हो गई थी जब 1913 और 14 में अमेरिका में बसे पंजाबियों ने अमेरिका की आजादी और वहां के सियासी माहौल से प्रभावित होकर भारत की आजादी के लिए गदर लहर की सृजना की थी। गदर लहर हिंदुस्तान की आजादी की पहली पार राष्ट्रीय लहर थी, जिसमें अमेरिका कनाडा के बिना और भी बहुत सारे देशों में रहने वाले पंजाबियों ने भाग लिया। इसके अलावा 1984 के बाद के पंजाब संकट के दौरान कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में रहने वाले सिखों के रोल को कौन नहीं जानता। ऐसे ही रिसेंटली किसान आंदोलन में उनकी सपोर्ट को भी देखा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो 70s के हरे इनकलाब की सफलता के पीछे विदेशों में बसे पंजाबियों के द्वारा भेजे गए धन का बड़ा योगदान रहा है। आजकल भी विदेशों में बैठे पंजाबियों के पैसे के साथ गांवों में चल रहे ग्रामीण विकास, सुधार और होमे भी के प्रोजेक्ट इस रिश्ते की तरफ स्पष्ट संकेत करते हैं। प्रवासियों की पहली पीढ़ी को अपनी जन्मभूमि और उसके समाज, सभ्याचार, विशेषकर जुबान के साथ जुड़ी रहती है, परंतु वहीं पर जन्मी पली और परवान हुई अगली पीढ़ियां, जिनकी ना तो पंजाब जन्मभूमि है और ना ही पंजाबी मातृभाषा, के पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ रिश्ते के क्या माध्यम और वसीले हैं, विचारने वाली बात है। जैसे बिहार से प्रवास करके आए नंद किशोर की पंजाबी स्कूल में पढ़ रही बेटी माधुरी अपने स्कूल और परिवार की जुबानों, सभ्याचारिक परंपराओं के दरमियान संवाद के जरिए एक नई हाइब्रिड पहचान प्राप्त करती है, उसी तरह पंजाबियों के विदेशी जुबानों में पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी प्रवासी मुल्कों में हाइब्रिड स्पेस की सृजना कर रहे हैं। ये हाइब्रिड पंजाबी स्पेस केवल कर्म भूमि के पब्लिक स्फीयर और प्रवासी भाईचारे के प्राइवेट स्फीयर के संवाद में से ही नहीं, भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, प्रवासी पंजाब और विश्व के सांझे मसलों की ग्लोबल नेटवर्किंग की पारराष्ट्रीय प्रैक्टिसेस में भी उभर रही है। आज ग्लोबल नेटवर्क में बंधे पंजाब के 5 चिन्ह संसार पूंजी, कीर्त, शक्ति और अर्थों की सर्कुलेशन के जरिए पारराष्ट्रीय पंजाब की सृजना कर रहे हैं। भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के चिन्ह संसारों के बाद तीसरा उन लोगों का चिन्ह संसार है जो रोजगार के लिए दूसरे प्रांतों से प्रवास करके पंजाब में आ बसे हैं। चौथे चिन्ह संसार में उन लोगों के प्रवचन डिस्कोर्सेस शामिल हैं जो पंजाब से प्रवास करके विदेशों में जा बसे हैं। वो लोग, संस्थाएं अथवा मुल्क जो पंजाब के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी तरह का भी संबंध स्थापित करना चाहते हैं,
पंजाब के पांचवें जहन संसार की सृजना कर रहे हैं। वातावरण, मानव अधिकार, नारी मसले इत्यादि दुनिया की सांझी समस्याओं के साथ जुड़ी पार राष्ट्रीय समाज चेतना लहरें भी इसी पांचवें जहन संसार का हिस्सा है। बहुत सभ्याचारक कौमी राज्यों में डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से होंद ग्रहण करने वाले पार राष्ट्रीय भाईचारों का उत्थान एक बिल्कुल नई प्रक्रिया है। चूंकि इस डिजिटल नेटवर्किंग का माध्यम केवल साहित्य ही नहीं यूजर जनरेटेड कोलैबोरेटिव कंटेंट है, इसलिए प्रवासी पंजाबी साहित्य की सृजना करने वाले पंजाब से प्रवास करके गए लेखकों को नए डिजिटल प्रगटाओ माध्यमों के जरिए आपसी संवाद में बधी नई पीढ़ी के बीच संवाद से अधिक एक गैप दिखाई दे रहा है। इस बात की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस जनरेशन गैप का कारण नई पीढ़ी के द्वारा अंग्रेजी जुबान को अपना प्रगटाओ माध्यम बनाए जाने से भी अधिक मीडिया परिवर्तन है। चूंकि नई पीढ़ी तो पीछे मुड़ेगी नहीं, इसलिए पार राष्ट्रीय पंजाबी सभ्याचार के निर्माण में अपने अनुभवों के बोल शामिल करने के लिए पुरानी पीढ़ी के पंजाबी लेखकों को भी नई डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी और वेब टू के जैसी सुविधाओं में मुहारत हासिल करनी होगी। ये केवल प्रवासी पंजाबी भाईचारे की ही समस्या नहीं, पंजाब की पुरानी और नई पीढ़ी के दरमियान भी ये डिजिटल डिवाइड स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। आज प्रवास के अर्थ बदलने लगे हैं। अब ये विश्वीकरण की जरूरतों में से पैदा हो रही प्रक्रिया है। नॉलेज वर्कर्स की कमी के कारण विकसित देशों के समक्ष दो ही रास्ते हैं, या तो वो ऐसा काम भारत जैसे देशों में से करवाएं जिसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है, नहीं तो फिर ऐसे प्रवासी कर्मियों के लिए अपने देशों में सम्मान पूर्वक रोजगार के रास्ते खोल दें। 18वीं-19वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप के देशों में विकास की संभावनाएं कम हुई तो उन्होंने नई संभावनाओं की खोज में एशिया, अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ कूच किया और अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। परंतु अब 20वीं-21वीं सदी में पहुंचकर कहानी बदल गई है। अब पश्चिम पूरब की तरफ नहीं, पूरब पश्चिम की तरफ प्रवास कर रहा है। इस प्रवास ने अपनी पार राष्ट्रीय प्रक्रियाओं से पश्चिम की तस्वीर ही बदल के रख दी है। प्रवासी भाईचारा अपने आप को कर्म भूमि की परिस्थितियों के अनुसार केवल रूपांतरित ही नहीं करता, बल्कि कर्म भूमि की स्थापित व्यवस्था जिसमें उसके भाईचारे को कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं होता, उससे प्रतिरोध रेजिस्ट के जरिए उसकी पुनर्स्थापना भी करता है। यानी कि वहां की वहां जो कुछ एस्टैब्लिश है उसके साथ भी वो मुसलसल रेजिस्टेंस अपनी व्यक्त करता है। ये उसके इस प्रतिरोध का ही नतीजा है कि आज कैनेडियन और अमेरिकन समाजों में इन अल्पसंख्यक प्रवासी भाईचारों के लिए अपने अंदर नई स्पेस पैदा करनी पड़ रही है। बहुत सभ्याचारवाद को इसी संदर्भ में रख के समझना पड़ेगा। अब अगर कैनेडा बसते पंजाबी भाईचारे को ही देखें तो समझ सकते हैं कि मेनस्ट्रीम की अनेकों कोशिशों के बावजूद उसने अपनी सामाजिक टेक्सचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए कैनेडियन समाज में अपनी स्पेस पैदा की। इन प्रैक्टिसेस को हम कविताओं, गीतों, चुटकुलों, दंत कथाओं, मिथों, अखबारी खबरों, मेलों, त्योहारों, रेडियो टेलीविजन प्रोग्रामों, कलाकृतियों, कबड्डी मैचों, हॉकी मैचों, पारिवारिक मिलनियों आदि अनेकों भिन्न भिन्न वृत्तांतक रूपों में से पहचान सकते हैं। ये लघु वृत्तांत बेशक कैनेडियन कौमी निर्माण के ग्रैंड नैरेटिव महावृत्तांत के लिए चुनौती बनकर प्रस्तुत होते हैं, और फिर लघु वृत्तांतों के द्वारा पैदा की गई ये पंजाबी स्पेस साहित्यिक वृत्तांत में ढलकर केवल कैनेडा के कौमी वृत्तांत को ही विस्थापित नहीं करती, उसको पंजाबी भाईचारे के दृष्टिकोण से भी पुनर्स्थापित करती है।
प्रवासी पंजाबी साहित्य केवल प्रवासी पंजाबी भाईचारे की विदेशों में अपनी स्पेस पैदा करने के लिए किया जा रहा संघर्ष ही नहीं, अपनी संस्कृति की पारराष्ट्रीयता की प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही पुनर्स्थापना भी है। पारराष्ट्रीय पंजाबी सभ्याचार कोई बिखरा हुआ सभ्याचार नहीं है, बिखरे हुए पंजाबी सभ्याचारों की नेटवर्किंग में से निर्मित हो रहा एक बिल्कुल नया अनुभव सिलसिला रीत है। विविध पंजाबी सभ्याचार भाईचारे इस नेटवर्क की नोड्स की तरह हैं, जो इस नेटवर्किंग के माध्यम से होंद में आए सिलसिलों से इसकी दूसरी नोड्स के साथ संवादी और विवादी रिश्तों के आधार पर अपनी पहचान प्राप्त करती है। डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से एक ऐसी विश्वव्यापी डायनेमिक स्पेस का निर्माण हो रहा है, जहां दुनिया के दूसरे भाईचारों की तरह ये बिखरे हुए पंजाबी भाईचारे भी बहुत दिशावी तत्कालीन सृजनात्मक सांझ संवाद की विकसित हो रही वेब टू के जैसी नई संभावनाओं के माध्यम से एक दूसरे के पास होकर पार स्थानिक स्पेस का ही नहीं बल्कि बहुत स्थानीय नेटवर्क पंजाबी चेतना के बहाव का निर्माण करते हैं। ये स्थिति पंजाबी डायस्पोरा को पंजाबी डिजिटल डायस्पोरा के रूप में समझने के लिए भी प्रेरित करती है। आमतौर पर पंजाबी डिजिटल डायस्पोरा उन ऑनलाइन नेटवर्क से परिभाषित होता है जिनको विश्व भर में फैले पंजाबी लोग भाईचारे अपनी पहचान स्थापित पुनर्स्थापित करने उपलब्ध संभावनाओं और दरपेश चुनौतियों पर विचार चर्चा छेड़ने के लिए मातभूमि और कर्मभूमि की नीतियों को प्रभावित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। परंतु डिजिटल डायस्पोरा को वर्चुअल भाईचारे से अलहदा करके देखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटल डायस्पोरा हमेशा अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि की जमीनी हकीकतों के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए नए संदर्भों में पंजाब और पंजाबी साहित्य सभ्याचार को विश्वीकरण की डिजिटल स्पेस में बह रहे इन पांच चेहन संसारों की नेटवर्किंग के रूप में देखने की जरूरत है। अपने इस शोध पत्र को मैं इन शब्दों के साथ संपन्न करना चाहूंगी कि विश्व बदल गया है, परंतु कई बार हम इस बदले हुए संसार की समस्याओं और चुनौतियों की पुराने संसार के विधि विधान के अनुसार ही परख पड़चोल करते रहते हैं। हमें अपना ये दृष्टिकोण बदलना होगा। थैंक यू सो मच। और हमारे भी शामिल हुए हैं, उनका भी धन्यवाद सर। और प्रोफेसर हरपाल सिंह जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकाल अमृत कौर जी। मुझे लगता है कि जो हमारे एसोसिएट साथी हैं, काफ़ी कुछ उनको बहुत इलेबोरेटिव पेपर था, डिटेल में इन्होंने बताया, तो हो सकता है कुछ क्योंकि अलग अलग हमारे रीजन्स में से अगर कुछ इश्यूज कॉन्टेक्स्ट हैं तो वो एक अच्छा मौका होता है एसोसिएटशिप में कि अलग अलग रीजन से लोग आके अपने लिटरेरी इश्यूज को यहाँ डिस्कस करते हैं। पता लगता है कि कौन किस पोजीशन में कैसे आर्टिकुलेट कर रहा है और उनकी अप्रोच क्या है और किस तरह के इश्यूज लिटरेचर में आ रहे हैं। तो उसी तरह का एक इशू जो पंजाबी में बहुत प्रोमिनेंट है वो है माइग्रेंट्स रिलेटेड जो लिटरेचर है। आज की तारीख में कहें तो पंजाबी लिटरेचर में 70-80% लिटरेचर जो है वो माइग्रेंट्स ही लिख रहे हैं और उन्हीं का लिटरेचर जो है हर जगह आप देखेंगे डिस्कशंस में या जहाँ भी कहीं आ रहा है। सो इवैल्यूएशन भी और अगर उसका हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए लिटरेचर भी वही है। तो सबसे बड़ी समस्या कह लीजिए और इशू प्रेजेंट टाइम में वो भी माइग्रेशन का है पंजाब का। तो इन्होंने उस पूरे प्रोसेस को हिस्टोरिकली दिखाया कि किस समय से हमारा जो माइग्रेशन का प्रोसेस है और किन किन लोकेशंस पे माइग्रेशन चल रहा है और उसमें डेवलपमेंट कैसे आई है। और इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है कि अगर हम उसको पहले इंडो पाक
प्री 47 का माइग्रेशन मानते हैं, तो वो भी वहाँ जाके पंजाबी डायस्पोरा है, और उसके बाद का जो डायस्पोरा जो यहाँ से पंजाबी गए हैं वो भी पंजाबी, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाब से गए हों चाहे हिंदुस्तान से गए हों, वहाँ जाके वो दोनों ही पंजाबी प्रवासी कहलाते हैं। उनमें वहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है कि पाकिस्तानी पंजाबी है या भारतीय प्रवासी पंजाबी, आगे सब कैटेगरीज नहीं है, तो मोटे तौर पर वैसी है। लेकिन उनका एनालिसिस जो है, जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर भारतीय पंजाबी के ही कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, क्योंकि यहाँ के इश्यूज से रिलेटेड माइग्रेशन हुई है, उनकी अपनी अपनी जो समस्याएं हैं या जो उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, उस तरीके से उस ढंग से माइग्रेशन होती है। एक जो इन्होंने आगे रेगुलेट किया कि कैसे वहाँ जाकर जो प्रेजेंट टाइम में मीडिया का एक काफ़ी प्रसार हो चुका है, तो उसने ट्रांसनेशनलिज्म जो है उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है पंजाबी डायस्पोरा को प्लेस करते हैं कि वो एक तरह से अब डायस्पोरा या उस फीलिंग में नहीं रहे, वो कनेक्टेड है। तो सेकंड पार्ट इनके पेपर का ये था कि कैसे जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने मदरलैंड से, पंजाब से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी करते हैं, सोशली भी करते हैं, कल्चरली भी करना चाहते हैं, और कंटिन्यूअसली उससे वो इंटरेक्शन में रह रहे हैं। ये बात अलग है कि जो लोग जहाँ अपनी ज़मीन बेचकर और अपने पेरेंट्स के साथ ही पिया लेके चले गए, और यहाँ पर उनके आने के लिए कोई बहाना नहीं रहा, वो किस तरह इंटरेक्ट कर पाएंगे। सेकंड चीज़ जो इन्होंने ऐड की कंपैरिजन में कि बिहार से या वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी से जो लोग माइग्रेंट लेबर के तौर पे आते हैं उनके साथ भी थोड़ा सा इन्होंने उसका कंपैरिजन दिया या सिमिलैरिटीज बताई, लेकिन उसमें खैर मोटे तौर पे चेंज सिर्फ इतना ही होता है कि जो लोग देश से बाहर जा रहे हैं उनके लिए एक प्रिविलेज है या रिस्ट्रिक्शंस को क्रॉस करके पीआर लेना, वीज़ा लेना, सारा चीज़ें हैं, लेकिन विद इन इंडिया ऐसा कुछ नहीं है, आप माइग्रेशन कर सकते हैं और उसमें इंट्रैक्शन जो है विद इन इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप घर चले गए, कहाँ से आ गए चले गए, लैंग्वेज सीखना नहीं सीखना वो भी आपके उसी में होता है। इन चीज़ों को भी जो है, क्योंकि वो डेमोग्राफिक चेंज पंजाब में हो रहा है, पंजाब में मास लेवल पे माइग्रेशन चल रही है, जो अभी नहीं गए मेंटली साइकोलॉजिकली वो जा चुके हैं, वो यहाँ कनेक्टेड ही नहीं है। लास्ट इलेक्शन में भी यूथ का जो वोटिंग शेयर था मिनिमम था, क्योंकि उनको यह था कि हमने क्या करना है, यहाँ रहना ही नहीं है, सो उनका कोई इशू नहीं है, वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और वो यहाँ मेंटली वो बाहर जा चुके हैं, वेट कर रहे थे कि कोरोना का टाइम खत्म हो और हमारी बारी है, अलार्मिंग स्टेज है। तो उसके बाद जो देश है, पंजाब है, ज़मीन है, व्यवस्था है, माइग्रेशंस तो सदियों से चली आ रही है, अब यहाँ पे आके यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, आज क्या सदियों से लोग आते जाते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली किसे 50-60 साल बाद पंजाबी हो जाएंगे, जो जहाँ रहता है वहीं का नाम हो जाता है। सो डेमोग्राफिक चेंज भी जो है वो उसी तरह एक्सेप्टेंस का पार्ट है जो एस्पिरेशन इमिग्रेंट पंजाबीज की कनाडा में जाके है कि पीआर लेके हम कैनेडियन हो गए, अब हमें कोई इंडियन ना कहे, तो हमारा ठप्पा लग गया, बाकी हमारी वैल्यूज हैं, हम जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, फ़ोन कर लेंगे, वेब पे ऑनलाइन हम देख लेंगे। सो ये सारी इश्यूज और करंटली उनकी कनेक्टिविटी जिसको मल्टी लोकल कॉन्टेक्स्ट में और ट्रांसनेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, मुझे लगा कि मैं पेपर में जो आई है आपसे शेयर कर सकूं ताकि आप डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें। प्लीज़ First of all, I congratulate you for presenting this paper. Of course, it was a well-prepared paper, no doubt. But I have a couple of things that I would like to ask. As you talked about the travel literature. Pravasi sahitya. The people, those who migrate from one place to the other, and they talk about their own sensibility. Diaspora. So whether it is cultural sensitivity or social belonging,
or in the course of time they are getting detached from their own roots. So that is the sensibility that they really talk about. And in between you talked about that hybrid identity also. So I would like to know and clarify whether the hybrid identity and the dilemma of the roots, it really creates any contradiction in between. एक्चुअली सर जो डायलोमा की बात है ना जो पहली जनरेशन गई हैं वहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि पहले पड़ाव के जो लोग गए हैं जिनके लिए प्रवास जो था एक रोजगार का साधन था अपने देश को छोड़ के जब वो गए हैं तो उनके लिटरेचर में जो हमें पेश होती हुई संवेदना है उसमें हमें जो बहुत डायलमा जो है सोशल डायलमा और सोशल क्लैशेज सभ्याचारक तनाव वो उस किस्म के भाव हमें दिखाई देते हैं लेकिन हाइब्रिड पहचान जो है वो जहाँ वहाँ पे ही जन्मी पली पीढ़ी वहाँ पे ही पढ़ रही वहाँ पे ही परवानित है जो वो उसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है उसकी हाइब्रिड स्पेस के लिए वो अपनी एक पहचान के लिए वो जो है स्ट्रगल कर रही है जबकि जो डायलमा की बात है वो जो पहले पीढ़ी के राइटर्स थे जो कि बहुत मजबूरियों की वजह से जिन्होंने प्रवास धारण किया तो उनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स आई हैं जैसे नॉस्टैल्जिया हो गया बेगानगी का एहसास हो गया अलगाववाद हो गया खालीपन हो गया सो इस तरीके के भाव उनकी राइटिंग्स में हमें पहले पड़ाव के पे ये नज़र आता है लेकिन जैसे जैसे ये प्रवास की प्रक्रिया आगे आगे बढ़ती है दूसरी जनरेशन जाती है तीसरा पड़ाव आता है तो उनकी समस्याएं भी चेंज हो जाती हैं और उनका जो साहित्य में प्रॉब्लमैटिक है जो समस्याकार वो पेश कर रहे हैं वो इश्यूज भी टोटली चेंज होने शुरू हो जाते हैं जिन पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो पूछना तो मैं डिटेल में इस पे बात कर सकती हूँ कि पहले कैसे सरोकार लिटरेचर में पेश हो रहे थे क्योंकि पेपर की एक लिमिटेशन थी इतनी डिटेल्स में पेपर में तो नहीं बता सकती थी अगर आप में से कोई जानना चाहे तो मैं ब्रीफली आपको बता सकती हूँ कि पहले प्रवासी साहित्य के क्या सरोकार थे और वो कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चेंज होते आ रहे हैं बताओ हाँ जी तो पहले पड़ाव के जो हमारे राइटर्स गए हैं पहले तो वो लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मैं बड़ी सरल सी हिंदी में आपसे बात करूंगी कि लेकिन 1962 में जब कनाडा में पॉइंट सिस्टम शुरू हो गया तो तब प्रोफेशनल लोग वहाँ जाने लगे डिफरेंट प्रोफेशंस के साथ जुड़े हुए डॉक्टर्स वकील और जो पंजाब में टीचर्स थे परमानेंट जॉब्स पे थे वो लोग अपनी नौकरियाँ छोड़कर उन्होंने पॉइंट सिस्टम पे जाना शुरू किया उस बैच में से कुछ लोग ऐसे थे जो पंजाब में क्रिएटिव राइटिंग कर रहे थे तो वो जब वहाँ पे पहुँचे तो एक पढ़ा लिखा वर्ग था और उन्होंने वहाँ जो कुछ उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने अपनी मानसिक तृप्ति के लिए उसको लिटरेचर में ढालना शुरू किया तो पहले पड़ाव में हमें नज़र आता है कि वहाँ समस्याएं कैसी पेश होने लगी उस लिटरेचर में वहाँ पे हुआ नॉस्टैल्जिया भूहेरवा भू का मतलब सिर्फ भूमि ही नहीं भूत भी है अपने पास्ट से अलहदा होने का एहसास सो वो जो हेरवा था नॉस्टैल्जिया उसके बाद आया बेगानगी अलगाव ठीक है उदासीनता और अपनी रूट्स के से टूटे होने का एहसास वो साहित्य में भी आया वो फैंटसीज में भी आया वो सपनों में भी आया हर जगह वो आया उसके बाद अगला इशू क्या पेश हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जिसका सामना पहले पीढ़ी के लोगों ने भी किया पहले पड़ाव के लोगों ने भी किया बाद वालों ने भी किया लेकिन उस समस्या का आहिस्ता आहिस्ता जो फर्क पड़ने शुरू हो गया बरतानिया में पंजाबियों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को और कनाडा और अमेरिका क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं अमेरिका को तो मेल्टिंग पॉट कहा जाता है तो कंपैरेटिवली यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम कम आई लेकिन बहुत आई तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत लार्ज स्केल पे अपनी राइटिंग्स में उभारा अब इसको मैं और ज़्यादा गहराई में जाऊँ तो यहाँ पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हमारे पास
चार पांच लेयर्स लिटरेचर में पेश हो रही है। एक तो वो लेयर है कि अंग्रेज जो हैं, जिन्होंने बहुत लंबा अरसा यहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करके रखी, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं भारतीयों के साथ, एशियन लोगों के साथ। दूसरी वो लेयर थी एशियन कौमें अंग्रेजों के बारे में कैसा महसूस कर रही है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक परत है, एक तय है कि ये लोग भी अंग्रेजों के बारे में और खास तौर पे अंग्रेज विमेन पे एक खास किस्म का इन्होंने एक नेगेटिव बिंब अपने मन में बना के रखा है कि ये फ्री सोसाइटी है, कैसी है। तो वो भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की परत है। अगली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक लेयर वो भी है जो पंजाब में बिहार से आए हुए प्रवासियों के साथ किया जाता है। चौथी वो लेयर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पंजाब में या भारत में अखौती उच्च जातों के लोग अखौती निम्न वर्गों के साथ, निम्न जातियों के साथ कर रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। इंग्लैंड में जाके भी उन्होंने रामगढ़िया का गुरुद्वारा है, ये जट्टों का गुरुद्वारा है, ऐसे उन्होंने वहाँ पे भी वो कंटिन्यू किया। और अगली लेयर जो मैं आपको बताना चाहूंगी, रिसेंटली हमने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा कि पंजाबी स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो पहले से रह रहे एस्टैब्लिश हो चुके लोग हैं वो उनको काम देने के जरिए किसी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसकी चौथी लेयर, एक और लेयर जो सामने आ रही है वो है सेल्फ हेट की। सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है, अब क्या हो रहा है कि वो बहुत हर तरीके से जो पंजाबी स्टूडेंट जा रहे हैं वो भूल चुके हैं अपनी सिचुएशन के, हम किस सिचुएशन में से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। वो उन पे हर नेगेटिव बिंब जो है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे ये नशे करते हैं, वो कहेंगे ये गैंग्स वॉर करते हैं, वो कहेंगे ये गाड़ियाँ तेज चलाते हैं, हम बेसमेंट में इनको रखते हैं, ये वहाँ पे गंद डालते हैं। और देखिए पंजाबी मीडिया वहाँ का इन चीज़ों को न्यूज़ बना बना के वहाँ पे पेश करता है कि आज पंजाबी स्टूडेंट ने शूज़ नहीं स्लिप चप्पल डाली हुई थी। तो इस किस्म का भी एक सेल्फ हेट का नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि जो वहाँ पे बसे हुए एस्टैब्लिश हो चुके लोग हैं वो नए आने वाले विद्यार्थी जो पता नहीं किन मुश्किलों में से गुजर के आए हैं, प्लस टू करके वो लोग वहाँ जाते हैं और पता नहीं कितनी ज़मीनें बेच कर और कितनी मजबूरियों में वहाँ जा रहे हैं, उनकी किसी प्रकार की मदद करने की बजाय, हमदर्दी करने की बजाय अगर बेसमेंट में रखते हैं चार चार पांच पांच जनों को तब एक्सप्लॉयटेशन है, अगर काम पे रखते हैं लिखते कुछ और है देते कुछ और है, ठीक है। सो इस किस्म का जो नेगेटिव बिंब अपनी ही कम्युनिटी के लोग अपने नए आए हुए लोगों के प्रति दिखा रहे हैं वो भी सेल्फ हेट में आता है। सो ये तो हो गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट सारा। इसके आगे लिटरेचर में पेश हुआ सभ्याचारक तनाव, यानी के दो सभ्याचारों का आपस में क्लैश। जो मेन स्ट्रीम का कल्चर था उसने कैसे, जो गौण सभ्याचार है इनके बीच में कैसे क्लैश पैदा हुआ, बहुत सारे उसकी लेयर्स हैं, बहुत डिटेल हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे अंतर सभ्याचारक संबंध, जैसे कि अंग्रेज लेडीज के साथ पंजाबी लोगों ने शादी करवानी शुरू की, अमेरिका में बहुत हुआ कि मैक्सिकन लेडीज के साथ शादी करवाई ताकि हम यहाँ पे हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए, सो उस किस्म की बहुत सारी समस्याएं लिटरेचर में पेश हुई। उसके बाद अगला आता है जनरेशन गैप, जिसको हम पीढ़ी पाड़ा कहते हैं, यानी कि इधर से गई हुई जनरेशन और वहाँ पे जो जन्मी पली जनरेशन है वो तो अपने आप को वहाँ के ही समझते हैं, वो तो ये समझते हैं कि हमारी मातृभाषा भी अंग्रेजी है, हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सारे हमारे साथ दूसरे बच्चे हैं तो हमारी यही पहचान है। लेकिन घर में आके प्रॉब्लम होती है कि जो पेरेंट्स खुद अपनी इच्छा के साथ या मजबूरी के साथ प्रवास धारण करके वहाँ पहुँच चुके हैं वो उन पे अपनी फ्यूडल साइकी स्पेशली लड़कियों पे अप्लाई करते हैं कि ऐसे कपड़े पहनो ऐसे नहीं पहनो। सो इस किस्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेशन गैप की आती हैं। उसके बाद हमारे पास विमेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अक्सर
गौरी मैम कोई भी इशू हो तो पूछते होते हैं कि विमेन की क्या पोजीशन है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रवासी साहित्य में विमेन डबल ट्रिपल संताप को अंडा रही है। पहला, एक तो उसकी प्रवासी संवेदना, ठीक है, जैसे मेल की है वैसे ही उसकी ही है, उसको भी प्रवासी होने की वो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, अपने ही घर में अपना पति जो पंजाब का फ्यूडल सेटअप सारा अपने माइंडसेट में लेके गया है, उसका भी सामना करना पड़ता है। वो चाहता है कि मैं तो वेस्टर्न कल्चर वाली सारी फ्रीडम मैं तो वैसे ही रहना चाहूंगा, लेकिन विमेन को वो फ्रीडम नहीं देता कहीं ना कहीं। और विमेन जब एक ऐसे मुल्क में चले जाती है जहाँ की वुमेन को इतनी लिबरेशन है, तो वो भी आजादी वो चाहती है, तो वो घर में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, तो विमेन की ये भी एक त्रासदी आती है। तीसरा, विमेन जब काम करती है अपनी वर्क प्लेसेस पे, उसे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, उसके जो बॉस हैं उनकी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। सो एक उसकी ये हो गई। सो विमेन की पोजीशन जो है वो भी इस तरीके से तीन चार लेयर्स में संताप में है। लेकिन अब जो करंट पेश हो रहा है, हमारी जो पंजाबी स्टूडेंट जा रही है बहुत ही छोटी एज में वहाँ पे, वो देखिए कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है, कोई उनको जानने वाला नहीं है, सिंपली प्लस टू करके गाँव में रहने वाली लड़की अपना देश अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के वहाँ जाके इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो अब लिटरेचर में ये भी लेयर पेश हो रही है कि विमेन कैसे लिबरेट हो रही है वहाँ पे जाके, इंडिपेंडेंट हो रही है। ऐसे ही अगला इशू आएगा। मुझे लगा कि सवाल कोई नहीं है। आपका सवाल वो इनका एक सवाल तो था ना, जो मुझे लगता है वो ट्रैवल ऑफ से रिलेटेड कुछ रह गया के। तो कुछ मैं अगर मैं ऐड कर रहा हूँ आपकी चल रही है आपके हाँ जी कोई ऐसा बंदा में बहुत अच्छा भी रहा थैंक यू सर। तो जो पंजाब से डायस्पोरा है अभी पिछले ग्लोबलाइजेशन की बात हम इस मौके की बात कर जी जी उसमें भी ऐसा क्लासिफिकेशन है कि किस क्लास से लोग जाते हैं, यानी ऑफिसर बनने के लिए, खेती करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए, ऐसा कोई सर सब टाइप के जा रहे हैं। जो लोग पंजाब में बहुत जिनके पास बहुत पैसा है, चंडीगढ़ में कोठियां हैं, मोहाली में हैं, लुधियाना में हैं, जलंधर में हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन मैं और डॉक्टर साहब ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे जलंधर अमृतसर में पॉश एरियाज में उनके घर हैं, लेकिन वो सारी फैमिली उधर है, तो इधर उन्होंने जो काम पे रखे हुए लोग हैं उनको वो सैलरी भी दे रहे हैं कि घर मेंटेन रखना, कार भी दी हुई है और घर पूरा खुला हुआ है कि आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करो। ऐसे लोग भी हैं और वैसे लोग भी हैं, जो लोग आप बहुत न्यूज में पढ़ते होंगे कि जिनको एक्सप्लॉइट कर दिया गया, बड़े ही अनपढ़ टाइप के बेचारे लोग, गरीब और कर्जे ले लेके जा रहे हैं, वैसे लोग भी हैं जो स्टडी बेसिस पे जा रहे हैं स्टूडेंट बहुत सारे। जी थैंक यू सर। कनाडा के अंदर खालिस्तानी वुमन को इतना सपोर्ट क्यों मिला? जी ट्रांसनेशनलिज्म की फील के बावजूद, थोड़ा सा लिबरलिज्म और हाइब्रिडिटी के बावजूद जी इतना सपोर्ट वहां से क्यों मिला? जी सर, इसके दो तरीके के जवाब आंसर हो सकते हैं। एक तो जो रेडिकल सिख हैं वो इसका डिफरेंट आंसर बताएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में कुछ अलग हो सकती है, तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ही इसके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ कोई इसको किसी की संवेदना के साथ ना जुड़ा हो कि हुआ क्या, जब पंजाब संकट में ये सारा कुछ सहना पड़ा पंजाब को, तो जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे उनमें सारे प्योर नहीं थे। जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे वो पैसा लेके रेफ्यूजी बन के खुद तो वो कैनेडा चले गए, लेकिन पीछे कितने घर बर्बाद हुए, कितनों के जो लड़के मरवाए गए पुलिस ने, वो सारा कुछ, वो बहुत कुछ है सर कहने को। लेकिन उन लोगों ने वहां पे जाके भी दो तरह का रोल प्ले किया।
जो आप खालिस्तान मूवमेंट की कर रहे हो बात, एक तो वो लोग थे जो मुसलसल खुद तो सब कुछ सेट कर लिया लेकिन इंटरफेयर इधर करी जा रहे हैं, हर चीज में टांग अड़ाई जा रहे हैं, सारा दिन पंजाबी चैनल चल रहे हैं वहां पे रहते हुए भी, तो यहाँ पे हर चीज में वो टिप्पणियां करेंगे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर आप इतने ही बहादुर थे तो आप यहाँ से फिर भागे क्यों, यहाँ रह के करते ना फाइट फिर लोगों के राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, आप तो रिफ्यूजी बन के चले गए वहां पे। और दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिन्होंने सच में ह्यूमन राइट्स के नाम पे काम किया, क्योंकि जो पंजाब का संकट था उसमें बहुत सारे बेदोषी लोग मरे हैं, उसमें बहुत सारी किताबें हैं इस पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर वो बाहर बैठे हुए चंद लोग ह्यूमन राइट्स की आवाज ना उठाते तो शायद वो सारे पंजाबी भी जेलों में पड़े होते, पता नहीं उनका क्या हो रहा होता। सो इस टाइप से सर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये सारा, इसके बहुत सारे हम कर सकते हैं। सो मैं इसकी ये दो तीन लेयर्स दी। एक चीज मैं इसमें इनके सपोर्ट में ऐड कर देता हूँ कि दो तरह से लोग जो है ना पंजाब से, जो आप कह रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट का, अगर इससे रिलेटेड भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट या जो ऐसे सेपरेटिस्ट, दो टाइम पे गए हैं। एक तो नक्सलाइट मूवमेंट थी जो पंजाब में 70s 80s की चली है उसमें, और सेकंड टाइम 1984 के बाद। दोनों टाइम में जब वो कनाडा गए हैं मास लेवल पे जो माइग्रेशन हुई है, तो वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया, रिफ्यूज कर दिया। तो जब पॉलिटिकल असाइलम आप लेते हैं तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि आपकी जो होस्ट कंट्री थी वहाँ आपको कौन कौन सी इशू पे क्या परेशानी थी, पुलिस आपको क्यों तंग कर रही है और क्या इश्यूज है। अगर वो खत्म हो गए, पॉलिटिकल असाइलम खत्म हो गया, देन दे विल हैव टू कम बैक, ठीक है। और अगर कंटिन्यू रहता है, अब वो वहाँ पर वो उनका अपना ग्रुप है, ये नहीं कि सारे हैं, वो एक ग्रुप है, आइडेंटिफाइड है, वो अलग है। वो कोशिश उनकी ये रहती है कि फंडिंग भी जब वो कलेक्ट करते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए नैरेटिव थ्रू मास मीडिया और व्हाट्सएप कि पंजाब में पता नहीं क्या हो रहा है, देश में पता नहीं क्या हो रहा है, सिखों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। ये सारी चीज एक क्रिएट करके, एक तो फंडिंग क्रिएट हो रही है और ऊपर से एक मैसेज जा रहा है कि हमें पॉलिटिकल असाइलम अभी भी चाहिए। सो रिन्यू करवाते रहते हैं और बिल्कुल ठीक बात है, वो वहाँ वेल सेटल्ड है और उन्ही पैसों को वो यूज कर रहे हैं, और जिनको नहीं मिली नागरिकता इस वजह से कि वो पॉलिटिकल असाइलम पे थे, उनके डिसीजन डिफरेंट वे में होते हैं, तो वो उनको जब पैसे की भी आदत पड़ गई। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम जानते हैं, सारे पंजाबी जानते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन ये भी दो टाइम की रियलिटीज थी। अच्छा। जो भी पंजाबी सेंसिबिलिटी के सच्चे मायनों के साथ जुड़ा हुआ, जो ऑनेस्टली जुड़ा हुआ इंसान होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी सिचुएशन में पंजाब का माहौल खराब हो, ठीक है। So, उनकी सेंसिबिलिटी उनकी हरकतों से ही पता चलती है कि वो वहां बैठे क्या क्या कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो पंजाब के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ लोगों का ब्रेन वॉश करके अपनी फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल जो रीजंस हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है। डॉक्टर हरपाल फेलो ब्रीफ कमेंट सर, क्योंकि नेक्स्ट I shall take very little time. I want to touch over a dozen issues, but I shall touch only a couple of them only. First of all, I want to congratulate her that she has dealt with the issue of diaspora in a comprehensive way, including almost every aspect of it. I shall only point out the things that she has missed. About nearly two decades back, a very enlightened journalist of Punjab, who is currently bringing out a magazine, Filhal,
though he has leftist leanings, but he has given a new, you can say, a new, a fresh face to the Punjabi language. He had written a book around 2 decades back, about 18 years back, perhaps. He visited this country, particularly Canada, and he has experiences of USA, England, and other European countries, including France. About the Canadian settlers of Punjab, he had come to the conclusion, and he that book is very interesting, very probing. It is titled Ina Mundiya Jaldi Mar Jana. Ina Mundiya Jaldi Mar Jana. They are doomed to perish. They are living the way they want to live, bodily and mentally. There is such a dichotomy. Even the Punjabis going there, they leave, they take all the bad things that Punjab of today nourishes and cherishes. They take all those things along in their mind. And when they go there, they don't take excellent, they don't imbibe excellent values that the European culture or Western culture provides to them. They live in fresh, they live there. And all their, when she was talking, in fact, the best diaspora literature was created around 60, 70, 80, about a century back. There was a writer in Punjab, there is a fashion, any person who is well read, they ask him, Kamala, he is a lunatic. Yes. Lapel Griffin, in his biography of Ranjit Singh, he delineates this character, saying that a Sikh is impatient with the book. Punjabi and Sikh, I use them synonymously. He says that a Sikh is impatient with the book, and he is writing at the turn of the last century, around 1900. His biography of Ranjit Singh was published. A Sikh is impatient with the book, and he says, even 2 generations of our rule have failed to make impact, the desired impact. Now, all the newspapers, all the media, television, radio stations. I am familiar with two newspapers. One is Punjab Times. The other it comes from it is brought out from Chicago, USA. The other is from Australia. What do? They have the persons sitting in Punjab work for them. They collect news all the week, because there's no Punjabi daily newspaper anywhere in the world. All are weekly. For 1 week, they collect newspapers articles, news articles from Punjabi papers here and send them there. The person sitting here is paid for that. He works for them. In fact, what we get
in that press, it is, you can say, what we read here in the vernacular. Nothing different. What was expected of them was that they should have written about the Punjabi living in the West, the problems he is facing. It was the case with persons living 60, 70 years. Now, I am reminded of a Punjabi writer, Sathi Ludhianvi. His article, England the Soki Soam War. Sir, Gustafi, we are running short of time. Oh, yes, already you overlap the next. How is Nandi Gandhi? The Western, all Punjabis that go from here to Canada, America, or elsewhere, the countries and governments there, they don't allow them to create any kind of indiscipline or flout them, the laws of the land. And then, what they do, the urge, then they plant, because they impose restrictions. The same person here will say, jithe hundiyan hajar pabandiyan utthe jatt fire kar, that we fire where restrictions are aplenty. But the same boy, when he goes in Canada, his vehicle won't cross the stop sign. He will stop there. Now then they plant their ideas. They sell their ideas to the directionless youth here. One of my friends, teaching political science in a university, and a very distinguished and probing mind, he summed up it in Punjabi, that here in Punjab, they are creating a vacuum. पंजाब में वो खाली स्थान बना रहे हैं और बाहर जाके खाली स्थान बना रहे हैं। सॉरी सर, मुझे इंटरप्शन के लिए बेसिकली नहीं, आप अपने उसमें आई कैन स्पीक फॉर 3 आवर्स। एक्चुअली मैं नहीं, मत पढ़ता हूँ, मैं भी आदत से मजबूर इंडिया रेडियो में मैं न्यूज रीडर रहा हूँ। तो एक न्यूज रीडर जब खत्म करता है ना, 10 सेकंड्स का कैप देना होता है, तो 1 मिनट पहले वो सिर पे आगे खड़े रहते थे। तो आपके ऊपर वो प्रेशर होता है कि आपने उसको खत्म करने ही करने है, फेड ऑफ करना है। सो एनीवे, थैंक यू फॉर योर काइंड एंड वेरी मच वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन सर। आपने ऐसा बात में शेयर पूरे हम आपके लिए करूंगा। हां जी, इशा, मैं जो कुछ भी बोला हूँ, अब मैं हिंदी हिंदुस्तानी में जो कुछ भी बोला हूँ, इसको आप एक लुनेटिक सिख की बकवास भी समझ सकते हैं। मिस्टर गालिब बोलते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, ये पता नहीं मैं जुनून में क्या कुछ बोले जा रहा हूँ पागलपन में, खुदा करे ना ही समझे मेरी बात। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। चलो जी, इन शब्दों के साथ मैं ये वाला जो सेशन है मैं कंक्लूड करता हूं, इससे पहले कि नेक्स्ट सेशन शुरू करें। और अगर ये मैं थैंक्स ना करती तो मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अधूरी रहनी थी, क्योंकि हमारे बीच बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी विद्वान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के चांसलर
डॉक्टर जगवीर सिंह जी आए हैं, उन्होंने मेरा पेपर सुना, गौरव की बात है। और प्रोफेसर हरपाल सिंह सर ने टाइम निकाला, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। रविंदर सर ने चेयर किया, सर आपका भी थैंक्स, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।